तो पार्टनरशिप फंडामेंटल का आज हम लोग अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। बेसिकली इस टॉपिक में क्या होता है, इस टॉपिक में ना पार्टनरशिप फर्म एक किसी पार्टनर को गारंटी देती है कि आपका प्रॉफिट कम से कम इतना तो होगा ही होगा। मान लो आप लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करते हो और आप मुझे अप्रोच करते हो कि सर हमारे पास सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं, हम चाहते हैं अकाउंट्स आप पढ़ाइए। मैंने कहा यार मैं सीए आदमी, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं अपने काम निपटा लूँ वो बड़ी बात है, मैं क्यों आपके न्यू वेंचर में हाथ डालूँ और हो सकता है आपको नुकसान हो तो मैं क्यों नुकसान उठाऊँ बेकार में। आपने बोला नहीं सर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत नाम आपका बना हुआ है, हमें उस नाम का फायदा चाहिए। रही आपके लॉस की बात तो ये हमारी श्योरिटी है कि हम आपको कम से कम इतना प्रॉफिट, एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। मैंने कहा नहीं हुआ तो आपने बोला कि सर नहीं हुआ तो हम अपने हिस्से में से देंगे, लेकिन आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूं, ठीक है? एक एग्जांपल देखना। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगाई 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, आईयूसी है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये आईयूसी है 1 लाख 10% पर एनम की। अब सी जो है ना, सी को गारंटी दी है इन लोगों ने, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड एट रुपीज 50,000। कहते हैं भाई सी आपका जो प्रॉफिट है ना वो कम से कम 50,000 होगा ही होगा, आपका प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होने देंगे। अगर आपका प्रॉफिट मान लो 40,000 रह जाता है तो 10,000 की डेफिशिएंसी है, वो हम लोग उठा लेंगे। हम लोग कौन? ए और बी। अब इसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड एट रुपीज 50,000 बाय पहला केस बाय ए, या तो ए ने पर्सनली गारंटी दी है, या हो सकता है बाय ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। वैसे जो पीएसआर है ना वो है 3:2, 3:2 नहीं, 3:2:1। वैसे जो आपकी रेशियो है वो है 3:2:1। अब या तो ए ने गारंटी दी है खुद कि भाई अगर कम होगा तो मैं अपनी जेब से भरूंगा, या गारंटी दी है ए और बी ने, और वो भी एक रेशियो मेंशन है कि इस रेशियो में। एक और होता है सी, नथिंग मेंशन, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता यहां पर कि सी का प्रॉफिट शेयर गारंटी है एट रुपीज 50,000, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता। तो ये तीनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैं अलग अलग समझाऊंगा तीनों को ना। अब मान लीजिए प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट अर्न बाय फर्म रुपीज 2,40,000, ये प्रॉफिट फर्म को हुआ। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले ए केस की। ए केस क्या है? गारंटी गिवन बाय मिस्टर ए, गारंटी मिस्टर ए ने दी है। अगर गारंटी सिर्फ मिस्टर ए ने दी है तो उसमें किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे? बनाना आपको इस टॉपिक में भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही है, बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब मेरे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है
240,000, इसको ना 240 मत करो, 270 करो, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 270,000। सबसे पहले आपने क्या दिया, आईओसी, ए को बी को सी को 10%, एक एक लाख का यानी 10,000, 10,000, 10,000, तो टोटल आईओसी आपने दे दिया 30,000। फिर आ गया आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा है मेरे पास, डिविजिबल प्रॉफिट बचा है 270 माइनस 30, 2,40,000। अब ये 2,40,000 आप ए बी और सी तीनों में डिवाइड करोगे, रेशियो क्या है, 3:2:1, तो 3, 2, 5 और 1, 6, 2,40,000 डिवाइड बाय 6, 40,000 into 3, 1,20,000, 40,000 into 2, 80,000, 40,000 into 1, 40,000। सी की गारंटी क्या थी, सी की गारंटी थी 50,000, जबकि उसके हिस्से में अब आए कितने, सिर्फ 40, वो 40 पे मानेगा नहीं, वो 40 पे मानेगा नहीं, उसे तो कम से कम कितने चाहिए थे, उसे चाहिए थे कम से कम 50,000। अब बाकी 10,000 वो किससे मांगेगा, बाकी 10,000 वो मांगेगा ए से, क्योंकि गारंटी किसने दी थी, गारंटी ए ने दी थी, तो ए में से आप दोगे सी को, यहां पे हम लिखते हैं बाय ए 10,000 और इसका टोटल कर देते हैं 50,000, इसका 80 ही रहेगा। यहां पे हम लोग लिखते हैं डेफिशिएंसी, कितनी डेफिशिएंसी है 10,000, वो इसमें से माइनस करके यहां पे लिख देते हैं 1,10,000। इनको बाहर भी लिख सकते हो, फिर आपको ये नहीं लिखना, जैसे मैं कहता हूं 240 तो मुझे पता है, मैं इसको हटा देता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं 110 इसका, 80 इसका और 50 इसका। तो ये भी एक तरीका है जो सा आपको ठीक लगे, बट करने का तरीका ये है कि ए में से माइनस हुआ क्योंकि ए ने गारंटी दी हुई थी 10,000 की, ए में से माइनस हुआ, ए में से माइनस होने के बाद वो सी में ऐड हो गया। ये मेरा पहला पार्ट था, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये ए पार्ट, अब मैं करता हूं बी पार्ट, जहां पर ए और बी दोनों ने बोला है कि हम देंगे डेफिशिएंसी बोन करेंगे आपकी जो भी आएगी, और वो भी इक्वल रेशियो में, तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। केस नंबर बी, 270, 30 आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 240, और 240 आप तीनों में डिवाइड करेंगे ए बी सी, कितना कितना आया था, 240 डिवाइड बाय 6, 40, 120, 80 एंड 40। अब जो डेफिशिएंसी है वो कितनी है, 10,000, वो 10,000 कौन कौन उठाएगा, ए और बी, वो भी इक्वली, यानी 10,000 को दोनों इक्वली उठाएंगे तो 5,000 एक उठा लेगा और 5,000 दूसरा, तो आप यहां पे लिखेंगे डेफिशिएंसी, माइनस करेंगे सिर्फ 5,000, यहां पे भी लिखेंगे डेफिशिएंसी, माइनस करेंगे 5,000, 1,15, 75, यहां पे लिखेंगे बाय एज या बाय ए 5,000, बाय बीज 5,000, टोटल 50,000, तो बाकी सब कुछ सेम है। तीसरा जो केस है ना, तीसरे केस का मतलब है ए और बी कुछ भी नहीं है, मतलब कि तीसरे केस से मेरा मतलब है कि ये क्वेश्चन ना सिर्फ यहीं खत्म हो जाता, ये ऐसे नजर आता आपको क्वेश्चन कि भाई एबीसी पार्टनर है, ये कैपिटल है, ये आईओसी है, ये पीएसआर है, सी का शेयर जो है वो गारंटी है कि कम से कम 50,000 होगा, बस ये अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसको कौन बॉन करेगा, इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, बचे हुए पार्टनर की बची हुई रेशियो में डेफिशिएंसी को डालते हैं, ए का कितना था 120, बी का था 80, सी का था 40। मैं क्या करता, मैं देखता भाई डेफिशिएंसी कितनी है, डेफिशिएंसी हमें पता है कितनी है 10,000, सी की 50 होनी थी 40 है, ये 10,000 बॉन करेंगे, इसका भार उठाएगा बचे हुए पार्टनर यानी सी के अलावा बाकी दोनों ए और बी, और वो भी अपनी बची हुई रेशियो में यानी 3:2 में, तो
6000 ए उठा था, 4000 बी उठा था, तो 1,14,000 डेफिशिएंसी 76,000 बाय ए 6,000 बाय बी 4,000 टोटल 50,000 डन। बाकी सब कुछ सेम है। चलिए जी एक क्वेश्चन देखते हैं हम। अजगर चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹6,00,000, ₹5,00,000 एंड ₹4,00,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1st April 2017। तो ये इन तीनों पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 4:2:3। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू IOC एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू एट द रेट ऑफ ₹7,000 पर मंथ एंड ₹10,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आपको बता दिया कि हाँ भाई ये कैपिटल है, ये PSR है, IOC इतना, सैलरी इतनी है। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग IOC बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड एट अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन, ढोलू का जो प्रॉफिट का शेयर है, और प्रॉफिट के शेयर का मतलब एक तो प्रॉफिट वाला पार्ट हो गया जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, वो IOC नहीं लेना, एक्सक्लूडिंग IOC नहीं कंसिडर करना, बट इंक्लूडिंग सैलरी, यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट में ढोलू का प्रॉफिट का पार्ट है वो प्लस उसकी सैलरी, दोनों मिलाकर उसकी गारंटी है 1,10,000। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन डेट अकाउंट शैल बी मेट बाय अजगर, अगर कुछ भी काम पड़ता है 1,10,000 में तो उसको अजगर पे करेगा। प्रॉफिट आपको गिवन है 4,24,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019-20 जो भी है। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं PNL अप्रोप्रिएशन की नेट प्रॉफिट से, वहीं से करेंगे। बाय नेट प्रॉफिट 4,24,000, IOC देते हैं सबसे पहले, ए को सी को डी को, ए सी डी, तो IOC का रेट आपका 8%, 8,6 जा 48,000, 8,5 जा 40, 8,4 जा 32, 120 की IOC चली गई टू सैलरी। सैलरी आपको देनी थी सी को और डी को, सी और डी, सी को सैलरी थी 7,000 पर मंथ 84,000, डी को सैलरी थी 10,000 पर क्वार्टर 40,000, 124। इन सबको करके और तो कोई अप्रोप्रिएशन है नहीं, कोई कमीशन, कोई IOD कुछ भी नहीं है। अब मैं निकालूंगा डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट, तो 424 माइनस 124 माइनस 120, तो 180 का डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास, 180 का तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए अजगर चमन ढोलू। रेशियो आपके सामने गिवन थी 4:2:3 यानी 9, तो डिवाइड बाय 9, 20 into 4 80, 20 into 2 40,
20 × 360। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत आएगी अब जब मैं उस लाइन को आपके साथ दोबारा डिस्कस करता हूं, वर्किंग नोट में आ जाता हूं। कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी ढोलू शेयर, सेकंड पहला मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी, यानी ढोलूस प्रॉफिट शेयर प्लस ढोलू की सैलरी दोनों मिलाकर 110,000 होना चाहिए था। तो ढोलू का प्रॉफिट शेयर है 60 और सैलरी है 40, 40 ये है और 60 ये है, ये बन रहा है 1 लाख। बट गारंटी कितने की थी? गारंटी थी 1,10,000 की। तो डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंसी आ गई कितनी? 10,000। और ये डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय, बोर्न का मतलब होता है इसका भार कौन उठाएगा, इसका बोझ कौन उठाएगा, टू बी बोर्न बाय अजगर। तो आप अजगर में लिखेंगे डेफिशिएंसी 10,000 माइनस करेंगे 70 आएगा, ये 40 रहेगा, यहां पे आप लिख देंगे बाय अजगर 10,000 तो ये 70 हो जाएगा। अब आप देखोगे 70 ये और सैलरी 40, 70 प्लस 40 मिलाकर 110 करना था, 110 की गारंटी थी वो हो गया, तो ये आपका सॉल्यूशन था। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं आपके साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। अंकुर भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ऑन 1st April 2017 द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2। ये प्रोपोर्शन में आपको रेशियो भाग में बांटना था। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू आईओसी एट द रेट ऑफ 6% एंड सैलरी टू भावना 50,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी, अब कहता है भावना का सिर्फ प्रॉफिट का शेयर देखना, आईओसी नहीं, इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 170 पर एनम फुल स्टॉप। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,50,000 पर एनम। एनी डेफिशिएंसी शैल बी मेट बाय अंकुर। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 अमाउंटेड टू ₹9,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2000। जो भी तो करते हैं सर शुरू, लगभग सेम क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2000। आपकी स्टार्टिंग होगी बाय नेट प्रॉफिट, चेक करते हैं नेट प्रॉफिट कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, 9,50,000। डन। सबसे पहले एप्रोप्रिएशंस के नाम पर हमारे पास आईओसी है, पार्टनर्स हैं ए बी डी और आईओसी का रेट है 6%, तो चेक करो जरा 14 लाख का 6% 84,000, 6 लाख का 6% 36 एंड 24, तो 3, 2, 5 और 6 144 आपका आईओसी आ गया। डन। फिर है हमारे पास सैलरी, टू सैलरी सिर्फ बी को जाएगी, 50,000 पर एनम है, कमीशन 3,000 पर मंथ है दिशा को, टू कमीशन दिशा,
देखिए मेरे पास थोड़ा सा जगह की कमी होती है, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से पूरा नेट प्रॉफिट लिख के, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल, मतलब उनका नाम लिख के, दिशास कैपिटल अकाउंट, फिर सैलरी में जो भी है, भावनास कैपिटल अकाउंट, पूरा करना। मेरे पास जगह की कमी होती है, बिल्कुल कंपलसरी होता है। कैपिटल अकाउंट आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे सर, आपको लिखना पड़ेगा। कमीशन है हमारे पास 3000 पर मंथ, तो 12 × 3 = 36,000। आई थिंक यही अप्रोप्रिएशन है, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में? नहीं सर, और कुछ नहीं है। तो चेक करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया। चेक कर लें सर, 950 माइनस 50 बचा 9 लाख, माइनस 180, 7,20,000 का आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया है। तीनों में आप डिवाइड करेंगे, ए बी और डी। रेशियो आपको गिवन है 7:3:2, ₹420, ₹180 and ₹120। अब ये आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी पर, इंपॉर्टेंट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी। दोनों की डेफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। पहले बात करता हूं भावना। अगर मैं भावना की बात करूं तो इनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है इसका, 180 प्लस, प्लस को कुछ करना नहीं है, कहता है एक्सक्लूडिंग आईओसी। अब कहता है भावना की आईओसी नहीं लेनी। देखो सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सैलरी के बारे में अगर कुछ नहीं बोला तो मैं उसको ये नहीं मान लूंगा कि सैलरी भी देखना है, मैं नहीं मानूंगा जब तक कि वो इंक्लूडिंग नहीं लिखता किसी पॉइंट को। अगर वो कहता इंक्लूडिंग सैलरी तो मैं लेता, अगर वो कहता इंक्लूडिंग आईओसी तो मैं लेता। उसने बोला एक्सक्लूडिंग आईओसी, सैलरी पे तो कुछ नहीं बोला, तो सैलरी पे जब कुछ नहीं बोला तो वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड मान लिया जाएगा। तो आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 180 है, जबकि गारंटी थी आपकी 170 की। तो नो डेफिशिएंसी, कोई डेफिशिएंसी नहीं। और एक चीज और ध्यान रखना, आप लोगों को ये डाउट हो जाता है कि सर अगर 170 थी और 180 आ गया तो क्या उससे 10,000 वापिस लेंगे? नहीं, यहां पर गारंटी मिनिमम की है, यहां पर गारंटी मिनिमम की है कि इतना कम से कम आपको मिलेगा। अगर उससे ज्यादा है तो वो ज्यादा आप ही का है, आपसे छीनेगा नहीं कोई भी। और दूसरा जो जिसकी गारंटी हमको देखनी थी वो थी दिशा, सेकंड दिशा। दिशा के केस में हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंक्लूडिंग आईओसी, तो दोनों को मिलाकर देखना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 120, आईओसी कितना है दिशा का 24, तो ये बैठता है 144, और गारंटी है आपकी 150 की। तो यहां पर आपकी डेफिशिएंसी निकल कर आ गई 6,000, और ये 6,000 की डेफिशिएंसी बोर्न करनी है किसको, अंकुर को। ये 6,000 की डेफिशिएंसी बोर्न करनी है किसको, अंकुर को। तो बाय अंकुर 6,000, आप इसको 126 कर देंगे, बी पे कोई इंपैक्ट नहीं है। यहां पे आप लिखेंगे डेफिशिएंसी 6,000 माइनस करेंगे 4,14,000 आ जाएगा। तो लगभग सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके साथ। अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है, तीन पार्टनर है, ए बी सी। रेशियो आपको दे दी सैलरी 2000 पर क्वार्टर टू ए एंड बी। सी को कमीशन मिलेगी 8,000 रुपीज की। बी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम, यानी बी का जो प्रॉफिट है वो कम से कम 50,000 पर एनम का होगा ही होगा।
प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज रुपीज 1,50,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी इन दिस रेशियो. अब जो प्रॉफिट था ना 1,50,000 वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो इन तीनों को इस रेशियो में विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड. जो सैलरी जो कमीशन जो देनी थी जो गारंटी देनी थी उनको कंसीडर नहीं किया गया. 1.5 लाख का प्रॉफिट सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 2:1 में. पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट शो योर वर्किंग क्लियरली. देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह का और इसमें ना आपके दोनों कंसेप्ट कवर होते हैं. जो पास्ट एडजस्टमेंट वाला कंसेप्ट था वो भी कवर होता है यहाँ पर और गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट भी कवर होता है यहाँ पर. दोनों कंसेप्ट आपके कवर होते हैं. अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे इससे पहले जितने क्वेश्चन आपने गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कर रहे थे तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या थी आपके पास कि एप्रोप्रिएशन शो करो या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ. यहां पर वो रिक्वायरमेंट नहीं है. यहां पर रिक्वायरमेंट है कि रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो. और जब भी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने की बात करेगा तो हम लोग सीधा सीधा टेबल पर चले जाएंगे. टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ये दोनों टॉपिक को मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं. गारंटी भी होती है और गलतियां भी होती हैं. पर्टिकुलर्स, तीन अलग अलग पार्टनर ए बी सी एंड फर्म, डेबिट क्रेडिट. अब गलतियां क्या क्या हुई हैं पे सवाल ये है. सबसे बड़ी और सबसे मेन गलती कि 1.5 लाख का प्रॉफिट आपने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो बिना सोचे समझे पहले उस 1.5 लाख के प्रॉफिट को हम वापस ले लेते हैं उसी रेशियो में जिस रेशियो में हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किया था. रॉन्ग प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हम लोगों ने ये रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था किस रेशियो में, 2:2:1. तो इसी रेशियो में इसको वापस ले लेते हैं. 60,000 ए में डेबिट करो, 60,000 बी में डेबिट करो, 30,000 सी में डेबिट करो, टोटल 1,50,000. पहली गलती तो ये जो हमने सॉल्व की. दूसरी, सैलरी देनी थी, हम सैलरी देना भूल गए. सैलरी देनी थी 2,000 पर क्वार्टर यानी 8,000 ए को, 8,000 बी को, 16,000 यहां डेबिट हो जाएगा. कमीशन हम लोग दे, चेतन वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ रुपीज 8,000. तो जब कुछ मेंशन नहीं होता तो आप उसे एनम मानते हैं, तो वो आपका एनम रहेगा. तो 8,000 यहां डेबिट कर दीजिए. अब 150 माइनस 24, तो 126 आपका बैलेंस आ गया डेबिट में. अब क्या करना है हमको, 50,000 की गारंटी दी हुई है किसको, बी को. सबसे पहले आप चेक करना कि बी की शेयर ऑफ प्रॉफिट है क्या, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि रेशियो क्या है, रेशियो आई थिंक है 3:3:2, जिसमें कि बी का शेयर हो गया 3/8. तो 126 इंटू 3/8, 126 डिवाइड बाय 8 इंटू 3. अब आप देखोगे तो आप पाओगे ये आ रहा है 47250 विच इज लेस देन गारंटी अमाउंट से कम आ रहा है. भाई मैं दोबारा समझाता हूं, आपका रॉन्ग प्रॉफिट आपने वापस लिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, 126 आपका बैलेंस आ गया. 126 इन तीनों में डिवाइड हो रहा है. अब अगर मैं इसको इन तीनों में डिवाइड करता इस रेशियो में जो कि करेक्ट रेशियो है, तो उसमें बी का जो प्रॉफिट आता वो सिर्फ 47250 आता, जबकि बी को गारंटी कितनी दी हुई है, हमने बी को गारंटी दी हुई है 50,000. तो अच्छी चीज क्या है कि हम क्या करेंगे, हम जब यहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो हम बी को सीधा 50,000 दे देंगे. और इसको अब देखो मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना बचा 126, उसमें पहले बी का शेयर हटा के साइड में रख दो, गारंटी वाला 50,000 वाला, क्योंकि ये कम आ रहा है तो मैं इस रेशो में डायरेक्ट नहीं डिवाइड कर सकता, तो ये बचेगा 76। ये 76 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अब ए और सी में, वो भी उनकी बची हुई रेशियो यानी 3:2। तो 76,000 डिवाइड बाय 5:3, 45,600 डिवाइड बाय 3:2, 30,400। तो 45,600 ए को दे दो, 30,400 सी को दे दो। अब जैसे मैं करता था मैं वैसे ही करूंगा, 65,3600, तो ये 6400 डेबिट हो गया, 60,58,2000 डेबिट हो गया, 38,400, तो 8,400 क्रेडिट हो गया। अब दो डेबिट हुए हैं ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, 6400 2000 8400 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। मैं थोड़ा सा रफ करता हूं नीचे से, कुछ चेंजेस करते हैं क्वेश्चन में। अब मान लो, क्योंकि हमारे पास यहां तक तो सेम है, मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, मान लो वो ये कहता है कि ये जो 126 आपका बैलेंस आ गया ये भी ठीक है, बट क्वेश्चन ये कहता है इफ बीज डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड सी इन इक्वल रेशियो। पिछले क्वेश्चन में तो उसने ऐसा कुछ बोला नहीं, तो जो पुरानी बची हुई रेशियो थी उसी में हमने उसको डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर वो ऐसा कह दे कि उसकी डेफिशिएंसी को किसी और रेशियो में, जैसे यहां पे मैंने इक्वल रेशियो लगाया, उसमें बोर्न किया जाएगा, तो वहां पर आप लोग इसको कैसे करोगे, अब उसको समझते हैं सर। आप क्या करोगे, ए बी सी प्रॉफिट 126 है, रेशियो 3:2 है, मैं इसमें इसको डिवाइड करता हूं, 126 डिवाइड बाय 8:3, 47,250 31,500 ये आ जाता। लेकिन गारंटी कितनी थी, गारंटी थी 50,000, गारंटी कितनी थी 50,000 बी की। अब ये जो 50,000 बी की गारंटी थी, क्योंकि यहां जो अमाउंट बचेगा इसका 50,000 बचना चाहिए था, लेकिन 50 नहीं बच रहा, तो 50 नहीं बच रहा तो कितना कम बैठ रहा है, ये कम बैठ रहा है आपके पास 2750। अब ये 2750 इसको कौन कौन देगा, ए और दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1375 इसमें से माइनस होगा, 1375 इसमें से माइनस होगा, तो 47250 माइनस 1375, तो इसका बचेगा 45875 और उसका आएगा 31500 माइनस 1375, तो 30125। एक बार इन तीनों को प्लस करके देख लेना कि टोटल सेम हो रहा है, कहीं कुछ गलती ना हो गई हो, 126 हो रहा है। तो अब जब आप प्रॉफिट देते तो आप इस तरीके से प्रॉफिट देते कि ए को कितना मिल जाता 45875, बी को कितना मिल जाता वही 50,000, सी को कितना मिल जाता 30125। बस अब मैं इसको जब आगे करूंगा तो 60 60 30, और इधर का आप टोटल करोगे तो 53875, तो कितना बचेगा भैया 6125 डेबिट, 58
2000 कितना बच गया, डेबिट हो गया। यहाँ 30 और 38125 तो 8125 क्रेडिट हो गया। तो ये एक तरीका है। अब मान लो यही वाला क्वेश्चन अगर मैं जो पहले इससे पहले कराया था उसमें कितना था 50,000, उसमें डेफिशिएंसी आ गई थी आपके पास, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई थी उसमें आपके पास 2750। 2750 की डेफिशिएंसी को मैं किस रेशियो में डालता आपकी बार, बची हुई रेशियो 3:2, तो 3 और 2 5, 2750 डिवाइड बाय 5 × 3 1650 और डिवाइड बाय 3 × 2 1100। तो इसमें से 1100 माइनस कर लो, देखो 30,400 आया होगा उसमें आपके पास। 47250 माइनस 1650 और यहाँ शायद 45600 आया था, जो यहाँ पे जो आया था ना एक आपको 45600 आया होगा, ये तो सेम था, यहाँ पे 30400 आया था। तो अगर ये वाला मेथड आपको इजी लग रहा है तो आप इसी को फॉलो करो सब में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट समझ आया होगा। एक लेक्चर और इस पर आएगा जो कि हमारे इस चैप्टर का पार्टनरशिप फंडामेंटल का आखिरी लेक्चर होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।